नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं वाराणसी का विरोध में 6 मार्च को सुशीला देवी आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में आज विद्यालय में भारतीय त्योहारों में से एक त्योहार रंगोत्सव होली का त्योहार इस वर्ष बड़े धूमधाम से होलिका महोत्सव के रूप में मनाया गया। प्रचार प्रमुख कुलदीप चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस महोत्सव को मनाने के लिए विद्यालय के श्रेष्ठ आचार्य विजय कुमार चौरसिया को इसका प्रभारी बनाया गया था। इस महोत्सव में विद्यालय योजनानुसार मुख्य अतिथि गिरिराज बंसल के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया, जिनका विद्यालय के प्रधानाचार्य घनश्याम वर्मा एवं प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी हेमंत नागर के द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत सम्मान किया गया। होलिका महोत्सव में राधा कृष्ण की झांकी का आकर्षण एवं बहनों द्वारा किया डांडिया एवं गरबा नृत्य में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली एवं विद्यालय की बहन प्राची धामोतिया का भारतीय परंपरा हिंदू रीति के द्वारा मंगल बधाई गीत गाकर जन्मोत्सव मनाया। भैया बहनों ने पुष्प वर्षा की, सभी आचार्य दीदी ने बड़े धूमधाम से इस महोत्सव के आनंद लिया। इस महोत्सव में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विशेष ये रहा कि रंगों के स्थान पर पुष्पों एवं गुलाल की होली खेली गई। इसमें कई अभिभावकों ने झांकी का आनंद लिया और महोत्सव की सराहना की। इसमें विद्यालय के निधि वैष्णव, दीपा भारती, रामदयाल गुर्जर, शिवराज कोचर, प्रहलाद मेघवाल, रानू माल्व, तेजमल भील, विवेक माल्व, राजेश लोधा, संध्या नामदेव, योगेंद्र कुशवाहा, सतीश पारीक, राधा प्रजापति, उर्मिला मीना, शिल्पा पंकज, रानी चौरसिया, योगिता एरवाल, रिंकू मीना, शोभा भट्ट, अंतिमा मीना, सुमन राठौर, मुस्कान चौरसिया, मीना मित्तल आदि आचार्य दीदियों के प्रयासों से ऐतिहासिक महोत्सव मनाया गया और सभी ने आनंद लिया। सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी।